उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उत्तराखंड बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कल भाजपा मुख्यालय देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रबंधन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन से संबंधित बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेंद्र अजय समेत पार्टी के शीर्ष नेता उपस्थित रहे। बैठक समापन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकें की जा रही हैं। इसी के तहत चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बनाए गए 33 समितियों को अलग अलग समूह में समीक्षा की जा रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर मंथन किया जा रहा है। कुछ बैठकें कल सुबह होंगी, कुछ बैठकें अब हुई है और इन बैठकों में अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ बैठकर मंत्रणा करना, उनके काम में कैसे कैसे काम करना, इसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं और उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। तो आज चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी लोकेट चटर्जी, आरपी सिंह जी और प्रहलाद जोशी जी सभी लोग इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। इससे अलग एक बैठक अभी हमारी हुई है और हमारे जो छोटा कोर ग्रुप है उसकी बैठक, यानी कुल मिलाकर चुनाव का क्या हम लोगों ने अभी तक कर रहे हैं, क्या आगे होना है। कल हम श्रीनगर भी एक जो हमारा 3 जिलों की बैठक श्रीनगर में होगी, इससे अलग जो हमारी कोर कमेटी है उसके मेंबरों के साथ अलग अलग बैठक होगी। कुल मिलाकर चुनाव की दृष्टि से सारे कार्यक्रम ये 2 दिन के इस प्रकार से हो रहे हैं। इसके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की पुष्टि भी की। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कोई चुनावी रैली नहीं की है। ऐसे में आगामी 3 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की देहरादून में एक बड़ी जनसभा हो सकती है। यह तय है कि इस जनसभा का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव ही होगा। आने वाले सप्ताह में वो कार्यक्रम होगा। डेट खुल रहा है, अभी मैं डेट बताऊंगा, लेकिन तय हो गया है। देवभूमि इनसाइडर की रिपोर्ट। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।